दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। मैं आपको हुजूर का दिया हुआ एक नुस्खा देने जा रहा हूं। मैं आपसे कोई कसम नहीं लेता, हाथ नहीं उठवाता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये अज़म करें कि हुजूर की जानिब से जो फूल मिलेंगे झोली में डाल लेंगे और इस पे अमल करेंगे। तो अमल करके देखें, अगर शिफा ना हुई मेरा गिरेबान पकड़ लेना, क्योंकि हुजूर जो फरमाते हैं सच फरमाते हैं। और ये हदीस जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, ये लाखों फरामीन रसूल का खुलासा है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्ने इस्लाम अल मरए तरकहु माला यानी है, किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो हर बेमकसद काम को तर्क कर दे, तो फिर इस्लाम का हुस्न उसे नसीब होगा। एक तो इसकी जो है वो तशरी उलमा के तरस पे है ना, लेकिन आज मैं इस हदीस की किसी इल्मी बहस में आपको नहीं डालना चाहता, इसकी अमली बहस में हम सब पढ़ते हैं। जब यहां से जाएंगे आप अपने घर पहुंचेंगे तो ये काम आपने करना है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह आपसे अर्ज की है मेरी अर्ज आप डालेंगे नहीं, और फिर जब शिफा होगी तो मुझे दुआएं देंगे। तो आज शाम को कागज लेकर बैठ लें और सवेर से लेकर इस वक्त तक अपने मामूलात लिखें कि मैंने सवेर से लेकर इस वक्त तक क्या क्या किया है, कितनी मरतबा खाना खाया है, पानी पिया है, किससे बात की है, कितना सोया हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ उठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। किसी ने जो है वो कोई चाय वाले खोखे पे पौना घंटा गुजारा होगा, चाय पीने गया, वहाँ ज्यों बैठा और सियासी बातें चढ़ गई। किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ वक्त गुजारा होगा, वो भी लिखे कि मैंने आज ये सोशल मीडिया पे देखा। तो आज की सारी फहरिस्त 24 घंटे की नहीं, सुबह से लेके सोने के वक्त तक 12-14 घंटे की फहरिस्त बनाएं और फिर उसके ऊपर निशानी लगाएं, इसमें बेमकसद चीज़ें क्या थीं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मुझे ना दीन का फ़ायदा हुआ, ना दुनिया का फ़ायदा हुआ, ना मेरे जिस्म को कोई तकवीत मिली, ना रूह को ताकत मिली, ना वो मेरे अखलाक के सुधारने का सबब थी। ये काम मैंने क्यों किया, पौना घंटा यहाँ क्यों बैठा रहा, ये चीज़ मैंने क्यों देखी, ये काम मैंने क्यों देखा, फलां को घूर के क्यों देखा, फलां के बारे गलत क्यों सोचा। तो आज की फहरिस्त में देखें 6 चीजें, 5 चीजें, 4 चीजें, 2 चीजें, 10 चीजें, आप देखें कि इसमें ला यानी है, जिसमें कोई फायदा नहीं था, तो आप उनको निशान लगा दें और ये अजम करें कि कल ये नहीं करूंगा। अगले दिन फिर वो तो आप यकीनन नहीं करेंगे जब पक्का इरादा कर चुके हैं, तो अगले दिन फिर मामूल से दिन आपका गुजरे, तो जब शाम का वक्त हो तो फिर दोबारा कागज कलम लेके बैठ जाएं और लिखें आज मैंने क्या क्या किया। आज 8 चीजें निकली हैं तो कल कोई और नई चीजें 5-4 और आ जाएंगी, तो उनको भी काट दें कि परसों ये भी नहीं करनी है। सिर्फ 8 दिन अगले पीर तक रोजाना शाम को दिन के मामूलात लिखें और टिक करते जाएं कि ये ठीक मैंने किया और ये मैंने गलत किया है और ये ला यानी था, ये मैंने कल नहीं करना। 8 दिन गुजरने के बाद जब आप यहां अगले पीर आएंगे तो आपका चेहरा तम तमा रहा होगा। ये सिर्फ 8 दिन का नुस्खा है, 8 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको जीने का मजा आ जाएगा। सुबह उठेंगे हशाश बशाश, सोएंगे तो गूढ़ी नींद आएगी, ना दिल पर कोई बोझ, ना दिमाग पर बोझ, ना कोई जमीर पर बोझ। तो फिर जाहिर है जो फारग बचेगा वक्त, आप कहेंगे किसमें मैंने खोखे पे भी नहीं बैठना, नाई वाले हमाम पे भी नहीं बैठना, वो फजूल काम ये भी मैंने नहीं करना, तो फिर क्या करेंगे, तो वक्त ऐसे तो गुजरता नहीं। फिर मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने लग जाएं, फिर कुरान खोल के बैठ जाएंगे। हम सिर्फ 8 दिन इसकी मशक करके देख लें तो फिर देखना कि जिंदगी कितना लुत्फ देती है।